सरकार ने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत सारी योजनाओं में शामिल किया था और उनमें से एक प्रोग्राम था मिड डे मील मैनेजमेंट प्रोग्राम। इस वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को यह दिखाना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा तैयार की गई योजनाएं ग्रास रूट पे आके किस तरह से फेल होती है। महिला बांध दस टा पचे कोड़े कोड़े टा मस के मस मीटिंग करूँ इटार लेखा पत्र करूँ आमर ग्रुप भांगला आर से ऋण भी आम छुटी नहीं पार्न पैसा भी नहीं बांधि पार्न सब पैसा पत्र खर्चा ही गला के नेनर तेनर। स्कूल में चल रहे मिड डे मील प्रोग्राम को वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाएं मैनेज करती हैं और उनको इसके चलते कुछ रेनोमिनेशन दिया जाता है ताकि वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें। लेकिन नोएडा जिला के मठियापदर गांव में ठीक इसका उल्टा देखने को मिलता है। इस गांव के स्थित माँ इंदिरा देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो यहां के गांव के स्कूल को पिछले 4-5 साल से चला रही थी, लेकिन उन्हें ये प्रोग्राम छोड़े हुए 1.5 साल हो जाने के बाद भी अभी तक एक भी पैसा नहीं मिल सका है। ऐसे आ गया लेके गनु ऐसे आ गया वाला किनी बैग के पढ़े देना वाले बैग के गनु जे वाला किनी तमर तो 51 नंबर ने बार बार केंदा के बैग के आसवा से गनु जे वीडियो आ गया के भेटनो ऐसे आ गया के भेटनो हमर 51 नंबर बाहर कर दियो जे हमर टंगा मिलवा के हेले चेक वाला के हां इथरे कर दे महंदाले तमर कागज पत्र वाले के पले आसनो आ थरे पछे गाड़ी भाड़ा करनार आर गनु पठे दल के आगे आला के हो पठे दिन बेला के मैनेजर आगे लगे गन के पैसा पत्र आला के बेला के नहीं आसबा चाहे पैसा भी नहीं बांधी से ग्रुप भी भांग गला और पैसा पत्र खूब सरी गला। इस वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप कुमना स्थित स्कूल इंस्पेक्टर श्रीमान सुशील सबर जी को उनके मोबाइल नंबर 9556186201 पे फोन कर दबाव डाले ताकि माँ इंदिरा देवी ग्रुप का रुका हुआ पैसा जल्द से जल्द उन्हें मिले। मैं अभिषेक कुमार दास गांव मठियापदर जिला नुआपड़ा उड़ीसा से इंडिया अनहर के लिए।